फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज है संडे मॉर्निंग और आज की जो मॉर्निंग है वो हमारी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, तो लगभग 8:30-9 का ये टाइम है। और अभी सब रजाई में लेटे हुए हैं बिस्तर में, बस मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे करना है स्टार्ट अपना मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग प्रोसेस होता है। देखिए, मैंने पर्दे वगैरह हटा के मैं आ गई हूँ बाहर की साइड में और बच्चे अभी भी मतलब जग तो गए हैं लेकिन अभी भी बस रजाई में लेटे हुए हैं क्योंकि संडे है, कोजी कोजी रहता है, तो मैं भी ज़्यादा जल्द वो नहीं करती हूँ, तो वो बस लेटे हैं, उठ जाएंगे अभी 5-10 मिनट में। और ये देखिए, आधे से ज़्यादा रजाई तो ना मतलब नीचे को गिरी हुई है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि रजाई के ऊपर मैंने ब्लैंकेट भी डाला हुआ था डबल डबल करके। तो चलिए कोई नहीं, और मैं आ गई हूँ बाहर की साइड में। तो सबसे पहले जो दिन की जो पहली झाड़ू होती है वो मैं बाहर से ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे, जैसे गांव में कहते हैं ना कि आंगन बुहारना, तो आंगन वांगन तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं सबसे पहले बाहर की एरिया में झाड़ू लगाती हूँ जो सब हमारा एंट्री पॉइंट होता है, उसके बाद में अंदर और रूम में सारे में लगा देती हूँ। तो मेरी मम्मी ऐसे ही लगाती थी और मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ। बस यहाँ पर जो एक दो चीज़ें थी इधर उधर फैली हुई उसको समेट दिया है, और ये जो हमारा 3 सीटर है इसको भी सही से झाड़ के इसके कुशन वगैरह सही कर दिए हैं, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। और इधर दूसरी साइड को हमारी जो बिल्कुल एंट्री पॉइंट है ना, वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है, तो बस यहाँ लगा दूँगी और उस वाली उसमें लगा दूँगी, और यहाँ से कूड़ा कलेक्ट करने के बाद में फिर लगाऊँगी मैं अंदर की साइड को सारे में। और पोछा मैं आज सुबह में नहीं लगाऊँगी, आज मैं लगाऊँगी दोपहर में पोछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है इस टाइम पे और आज मुझे धुलाई करनी है जीने वीने की, तो पर बाद में तब पानी फैलेगा, तो पोछा मैं बाद को लगाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारा पानी उबल रहा है और ये रहा हमारा पास्ता। जब भी पानी उबल जाएगा तब इसमें पास्ता डाल दिया जाएगा। और ये मम्मी थोड़ा सा और पास्ता निकाल रही हैं। वीडियो ऑन है मम्मी? ये देखिए कितना सारा पास्ता है। ये मम्मी, ये सारा पास्ता सिर्फ मेरे लिए। फ्रेंड्स, जो मॉर्निंग का नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो हो गया है, झाड़ू वाड़ू लगा दी है, पोछा मैं लगाऊंगी बाद में, और शावर भी आज मैं देर से लूंगी। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और कल से छोटा बेटा जिद कर रहा था कि मम्मी पास्ता बनाओ पास्ता बनाओ, कल शाम को वो बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि चल कल बना दूंगी, तो बस आज सुबह में मैं उसी की डिमांड पर यहाँ पर पास्ता बना दे रही हूँ। और सिंपल वाला बनाऊंगी मैं, बिल्कुल सिंपल सा, थोड़े से सॉस और टमाटर प्याज यूज़ करके। आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें सब्जी, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी, गाजर तो मेरे पास रखी है, पर मुझे शिमला मिर्च का फ्लेवर अच्छा लग जाता है, तो मैंने गाजर भी नहीं डाली। मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से झटपट से ऐसे ही बना देती हूँ। देखिए, हमारा पानी बॉईल हो चुका है, मम्मी अब इसमें डाल देंगे पास्ता। पास्ता इसमें डाल दिया है, अभी मम्मी डालेंगी थोड़ा सा सॉल्ट, वो क्या बोलते हैं, स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक, ये पानी वाइट क्यों हो गया? फ्रेंड्स, पास्ता हमारा कुछ ही मिनटों में हो जाएगा बॉयल, तो दूसरी साइड को मैं कर ले रही हूँ अपने तड़के की तैयारी। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं देसी घी। मैं इसमें ना बटर का मैं लगा देती हूँ बटर में, लेकिन मेरे पास जो बटर है वो ख़त्म हो रखा था, तो बस मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है 1 चम्मच के लगभग। तो घी इन दिनों देखिए कितना जमा हुआ है, तो जब घी हमारा मेल्ट हो गया है, गर्म हो गया है, तो उसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा जीरा, डाल दूंगी मैं इसमें कटी हुई प्याज। और शुरू शुरू में ना उस टाइम मैंने फटाफट से बारीक बारीक चॉप कर ली, और जबकि इसमें ना लंबी वाली प्याज अच्छी लगती है लेंथ वाइज कटी हुई, और जब मैं तड़का लगा रही हूँ तब मुझे याद आ रही है कि नहीं, मुझे लंबी वाली काटनी चाहिए थी। तो चलिए कोई नहीं, और इधर जो हमारा पास्ता है वो भी अच्छे से हो गया है बॉयल, उसको मैंने ड्रेन करके रख दिया है, और उसको थोड़ा सा ना रनिंग वाटर में मैंने उसको रिंस कर लिया है ताकि चिपके ना आपस में। और इधर हमारी जो प्याज हैं वो भी ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मैं, और यहाँ पर ना छोटे बेटे ने मेरी चाय भी रख दी है दूसरी साइड में बनने को। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इस पॉइंट पे मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, और साथ में डाल दिए हैं बारीक कटे हुए टमाटर। एक ही टमाटर मैंने लिया है जिसको मैंने डीसीड कर लिया था,
ऑडी सीड किया है मैंने अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उनको स्टोन प्रॉब्लम रहती है ना, तो टमाटर के बीज वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उधर हमारा जो है टमाटर डाल दिया, उसको रख दिया है गलाने के लिए, तो जब तक वो तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड को सबसे ज़्यादा ठंड लगी हुई है इस बंदे को। मैं बोल रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आप इसको तो हटा दो, कह रहे नहीं मैं नहीं हटाऊँगा, चाहे तो बना या नहीं बना। तो चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर लेकर आए थे कल कुछ, तो बस वो इसी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है ना जो प्रेशर पाइप होते हैं वॉशरूम में, तो वो ख़राब हो गया था, तो उसको लेकर आए थे, पहले वाले में से पानी टपक रहा था, तो वो उसको यहीं चेंज कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चल तू इतने फटाफट से नाश्ता बना रही है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लगा देता हूँ। तो बस ये अपने काम में लगे हैं, मैं अपने काम में लगी हूँ, बच्चे अपने काम में लगे हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं सुबह में। और ठंड की तो बस क्या कहने हैं, और दो दिन से तो मतलब बारिश हुई जा रही है, बहुत ज़्यादा वाली बारिश नहीं हो रही है, लेकिन लेकिन फुसार सी पड़े जा रही हैं। एक बार तेज करके बारिश होके बंद हो जाए तो फिर मौसम भी खुले, पर ये नहीं है, घुला घुला सा बादल है और रेगुलर बूंदे पड़े जा रही हैं, कभी पड़ जाती हैं कभी रुक जाती हैं, मतलब ना तो तेज करके बरस रहा है ना मौसम खुल रहा है, तो इस तरह का हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई हैं। तो चलिए, और इधर देखिए हमारा जो टमाटर प्याज का तड़का वो हो गया था तैयार, तो उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ी सी मेयोनीज़, थोड़ी सी ज़्यादा ही डाले हैं क्योंकि ये तो सॉस ही अच्छे लगते हैं। और बस उसको मिक्स करके इसमें डाल दी है अपनी स्टीम की हुई पास्ता, और इसको बस अच्छे से टॉस कर देना है एक दो मिनट के लिए, और ये हमारा हो जाएगा तैयार। तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाया है आज, और ये हो गया है रेडी। तो बस चलिए सर्व कर लेते हैं और इंजॉय करते हैं अपना पास्ता। उधर को हमारी इंडक्शन पे चाय भी बन गई थी, जो कि बनाई है बेटे ने, अदरक और इलायची, और उसने काली मिर्च भी डाली है, एकदम मसालेदार चाय बनाई है। तो हस्बैंड और बड़ा बेटा मेरा बैठा है दूसरे वाले रूम में ब्लोअर में, और हम बैठ गए हैं यहाँ पे, सामने टीवी ऑन है। सुबह सुबह में टीवी चला लेते हैं थोड़ा सा, जब चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर मैं बंद कर दूँगी इसको, फिर पढ़ाने के लिए बिठाऊँगी। तो चलिए अभी मैं इधर अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ अपनी पास्ता इंजॉय, अपनी नहीं अपना पास्ता। मैं बहुत कम बनाती हूँ ऐसी चीज़ें, पर यह है कि बच्चों का मन तो करता है, मन तो बड़ों का भी होता है, पर क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता ना, तो मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ बना लेती हूँ, वीक में एक बार चल पड़ता है इतना तो। फ्रेंड्स पास्ता मैंने तो खा लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा तीखा लगा है ना, तीखा हो गया ना, मुझे नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ हमेशा ऐसे ही बनाया इतना छोटा सा, ये थोड़ा तीखा पसंद करता है, इतना तीखा खाता है। तुझे कैसा लगा, कैसा लगा पास्ता बताओ जल्दी, उसकी तो अपनी हीरोगिरी चालू रहती है। लगाओ चश्मा, चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ, नाक की ठुग्गी में रख ले मुंशी मुंशी प्रेमचंद। अच्छा एक बात है, जब वीडियो बनाती हूँ ना मैं इसका दिखाती हूँ, तो बड़े शांति से ऐसे बैठा रहता है, और वैसे इतनी हरकतें करता है। अरे मैं इसमें और ज्यादा मिर्ची डाल दूंगी, इसमें कैसे दिक्कत है, डाल दो, ठीक है खा ले फटाफट। अब दोपहर में क्या खाएगा, मैक्रोनी, अभी तो ये पास्ता बना है तब मैक्रोनी बना। लंच में क्या खाएगा, अरहर की दाल चावल, मैक्रोनी, पिटाई हो जाएगी अरहर की दाल बनाऊंगी मैं, और गोभी आलू की सब्जी और चावल, और साथ में पूरी या रोटी, पूरी पूरी पक्का, क्या हो गया मूछ आ गई, कहाँ है मूछ। चाय नाश्ता हमारा हो गया है, और अब बस मैं बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। यहाँ पर ये ना एक बॉल सी है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता क्या नाम इसका, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये लेके आई थी ना 40 रुपीज़ की मिली थी, और इसके अंदर ना चॉकलेट्स थी और जो जैम्स होते हैं जैम्स थे, और ये बॉल सी थी। तो ये ना अलग अलग हो जाती है,
तो बस इसको खेलते हैं, नीचे गिर जाती है तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो यहीं पर वो उसी को जोड़ रहा है। कई सारे कलर हैं इसमें, मल्टी कलर है ये, और इसमें ना जैसे गुल्लक नहीं होती इस तरह से भी है, तो बस यहाँ पर यही चल रहा है, इसको जोड़ रहा है, हम लोगों की चल रही है बस मस्ती। यहाँ पर हस्बैंड अपने कुछ काम में लगे हुए हैं मोबाइल में, और छोटा बेटा बोल रहा है कि उसको ना स्कूल से कुछ प्रोडक्ट मिले, प्रोजेक्ट मिले हैं उनके लिए, कुछ को कुछ सामान मंगाना है। वो बोल रहा है कि अभी अभी चलो, जब बच्चे होते हैं ना कि एकदम से जिद करने लेते हैं कि चलो चलो, तो उसके पापा बस बोल रहे हैं कि अभी चलेंगे अभी चलेंगे, वो जिद किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जाएंगे हम लोग मार्केट, मैं तो शायद नहीं जाऊँगी, बच्चे चले जाएँगे, कुछ सामान जो भी लाना है वो ले आएंगे। और तो चलिए फ्रेंड्स, अभी की वीडियो बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।